आपका स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी बगिया नैनीताल में। आज हम बात करने वाले हैं कैलेंड्यूला की। कैलेंड्यूला एक बेहद ही खूबसूरत प्लांट होता है, सीजनल प्लांट। इसको आप बाय सीड्स से ग्रो कर सकते हैं विंटर्स टाइम में। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो ये बेस्ट प्लांट है आपके लिए। आप इसको एक बार खरीद लीजिए, नेक्स्ट ईयर जो है आप इसको फिर से सीड्स से ग्रो कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसकी पॉटिंग मिक्स और किस तरीके से इसकी रिपॉटिंग करते हैं। ये कुछ मैंने चार पॉट्स ले रखे हैं, ये 6 इंचेस के पॉट हैं। तो अब हम इसमें जो है ये देखिए, मैंने कुछ ये ऑर्गेनिक अपनी खाद बनाई थी घर की, जो हम ये सब्जी का कूड़ा, फलों का कूड़ा जो होता। तो तभी भी हम कोई न्यू प्लांट लगाते हैं या रिपॉटिंग करते हैं कोई प्लांट, तो अपने पॉट्स में जो है इसी सॉइल को नीचे से डाल देते हैं और फिर ऊपर से अच्छी मिट्टी डाल के जो है हम लोग प्लांट को रिपॉट कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से जो है आप अपने पॉट्स में जो है ये कूड़ा जो होता है ऑर्गेनिक खाद जो है आप इस तरीके से बिछा सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो है आप ये मेरी सारी खाद जो है इस तरीके से आप बिछा सकते हैं। इसमें लीफ बोल्ट्स भी हैं, देखिए ये लीव्स वगैरह जो प्लांट्स की होती हैं वो सब हम लोग सड़ा देते हैं। इस तरीके से ही आपको बस भरना है। देखिए ये प्लांट्स जो है मैंने इसमें अपने कंपोस्ट मिला दिया। अब देखिए इसमें कुछ इस तरीके से ये केचुए वगैरह भी हैं, जिससे जो है ये पता चलता है कि हमारी जो है खाद बहुत अच्छी बन गई है। अब इसमें जो है हम ऊपर से थोड़ी सी अच्छी मिट्टी डाल देते हैं। तो देखिए, अब मैंने जो है इसमें ऊपर से अच्छी मिट्टी डाल दी है। अब जो हम इसमें कैलेंड्यूला के प्लांट्स रिपोर्ट करते हैं, चलिए आगे। तो देखिए ये कुछ मेरे कैलेंड्यूला के प्लांट हैं, मैं इनको जो है यहाँ से निकाल के जो है हम रिपोर्ट करते हैं। निकालते समय ध्यान रखिएगा कि इसकी जो है रूट्स ना टूटें। ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, मैं इसी तरीके से ये सारे प्लांट्स जो है निकाल लेता हूँ। इसने बहुत बढ़िया रूट जो है वो बना दी है। तो देखिए ये कुछ प्लांट्स जो है मैंने निकाल के रख दिए हैं। अब जो है हम इनको रिपॉट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से जो है आप इसमें होल कर दीजिए मिट्टी में अच्छे से। ये इस तरीके से आप इसको ये आप ग्रो कर सकते हैं इसे। ये भी मैं इसी तरीके से लगा देता हूँ। बस ध्यान रहे कि आपकी जो है इसकी रूट्स ना टूटें। तो देखिए ये सारे प्लांट्स जो है मैंने रिपॉट कर दिए हैं चारों। अब जो है हम इसमें वाटरिंग करके जो है इसको आप थोड़ा टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए शेडी एरिया में रख सकते हैं। मैं इनमें अच्छे से अभी वाटरिंग कर देता हूँ। तभी भी आप कोई भी प्लांट रिपॉट करें तो उसमें वाटरिंग ज़रूर करें। ये देखिए मैंने इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से सब में वाटरिंग कर दी है। कुछ मेरे और प्लांट्स भी हैं जो ये 10 डेज पहले जो था मैंने रिपॉट कर दिया थे। अब जो है इसमें काफ़ी अच्छे कलियाँ आने लगी हैं। ये देखिए, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल पहाड़ी बगिया नैनीताल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।